बीते दिन दहिसर विधानसभा में वुमेन्स डे के अवसर पर वृशाली बागवे ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर ब्यूटी एंड पर्सनालिटी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां पर कई महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर वृशाली बागवे के नेतृत्व में ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। वहीं पर इस कार्यक्रम में सबको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। वृशाली बागवे अक्सर इस तरीके का कार्यक्रम महिलाओं को जागरूक करने के लिए करती रहती हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला कि वृशाली बागवे ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा। यहाँ पर हमने आज जागतिक महिला दिवस पर महिलाओं को कुछ अलग देने का सोचा। भारतीय जनता पार्टी वार्ड क्रमांक 2 यहाँ के नगर सेवक जगदीश जी ओझा, वैसे हमारी आमदार मनीषा ताई चौधरी, इनके सहकार्य से हमने ये कैंप लिया है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे हम लोगों को रिस्पांस मिला। पूरा ये विनामूल्य है, पूरा मुफ्त, हम लोगों ने कोई चार्जेस यहाँ किए नहीं है। यहाँ पे मेहंदी, हेयर स्टाइल, मेकअप, लेज़र ट्रीटमेंट, फिर नेचुरोपैथी के होममेड जो पैक रहते हैं, हमने ये कोशिश में रहे कि जितना घर के जो घर में जो हमारे रेगुलर जो प्रोडक्ट रहते हैं, जैसे हल्दी है, चने का आटा है, तुलसी है, इसको यूज़ करके कैसे अपने सौंदर्य को और निखारना है और अपना रेगुलर लाइफ अच्छा करना है, आपको पार्लर कम जाने की ज़रूरत पड़े और स्ट्रेस फ्री हो जाए, इसके लिए हमने थोड़ा सा लेक्चर दिया और थोड़े से प्रैक्टिकल भी किए। बिल्कुल, मेरे टीम में बीजेपी के यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं, फिर महामंत्री है, इंदु, गीता है, अश्विनी है, पूनम है, फिर अनुष्का है, संगीता, अभी सबके नाम मैंने ये जो दो है ये मेरी स्टूडेंट है योगिता, फिर प्रगति है, ये बहुत दूर से आए हैं हमको मदद करने, ये मेरे स्टूडेंट थे, फिर और सभी भारतीय जनता पार्टी, वैसे मेरे फ्रेंड्स है, अनुष्का मांजरेकर है, वो भी आई, मतलब सब ने मुझे अच्छा सहकार्य दिया, कई लोग नए हमारे साथ जुड़े, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि मैं कुछ कर सकी। इतने सालों से मेरा पार्लर है लेकिन दूसरों को बांटने की खुशी कुछ और ही रहती है जो आज मुझे मिली। मैंने उनको यही मैसेज दिया और मैं देना चाहूँगी कि खूबसूरती ये तुम्हारे विचारों में रहती है, तुम्हारी मानसिकता में रहती है, तुम्हारे संस्कारों में रहती है, बाकी तो ज़िंदगी चलती रहती है, सुख दुख का सामना तो हमें हर वक्त करना पड़ता है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने आप की केयर करो और बस आगे की ज़िंदगी फेस करो, खुशी अपने आप आती रहेगी। वहीं पर इस कार्यक्रम के दौरान यहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्षा वृशाली बागवे को यहां पर लोगों का जमकर सहयोग मिला। आइए देखते हैं उनके समर्थन में लोगों ने क्या कुछ कहा। ये बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक था, मैं पहली बार ऐसे कैंप में गई, ये मेरी फ्रेंड है वृशाली मैडम, लेकिन आई वॉज वेरी सरप्राइज कि इतना बहुत कुछ इनका पार्लर होने के बावजूद भी उन्होंने घर के नुस्खे कैसे होते हैं, घर के अपने जो आयुर्वेदा के कैसे हम कर सकते हैं वो इस्तेमाल करके घर में ही रह के कैसे कर सकते हैं, वो सब रेमेडीज़ होममेड रेमेडीज़ इन्होंने दिया, सो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पार्लर में जाओ, घर से करो, लेकिन हमारे संस्कार, हमारे विचार, आचार विचार वो ज़्यादा मायने रखते हैं, तो दैट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट शी हैज़ स्पोकन अबाउट। विमेंस डे पे ऐसे प्रोग्राम्स हमेशा होने चाहिए, ये मुझे लगता है, और वृशाली ताई हमेशा एक दहिसर विधानसभा में एक प्रेरणा स्रोत ही है, वो सबसे बड़ी बात है, जब वो बोलती है तो वो एक हमारे लिए प्रेरणा होती है। हमने उनसे बहुत सीखा है आज इसमें, जैसे उन्होंने बोला कि ब्यूटी इज़ नॉट ओनली लाइज इन, यानी खूबसूरती ही ब्यूटी नहीं है बल्कि पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बताई जो बहुत प्रेरणादायक थी। तो ओवरऑल अगर आप प्रोग्राम का देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे वृशाली ताई ने दिया है। मैं उनको आगे के लिए ऐसे प्रोग्राम्स करते रहे, इनके लिए मैं उनको शुभेच्छा देती हूँ। आज का प्रोग्राम, पहली बात तो मैं वृशाली मैडम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा करने का सोचा महिलाओं के लिए। जो वर्कशॉप बाहर जो 2000-5000 में होता है, उन्होंने वही वर्कशॉप बिना कोई पैसे लिए और
बराबर उन्होंने गाइडेंस के साथ में लिया है। इवन उन्हें प्रैक्टिकली सब दिखाया, कैसे घर पे हम मास्क बना सकते हैं, अपना खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं। आजकल हम देखते हैं महिलाएं बहुत बिजी हैं, कोई कोई महिला के पास हमेशा पैसे नहीं रहते पार्लर जाने के लिए, तो वही सब से मैडम ने बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया कि आपके घर में जो भी इन्ग्रीडियंट्स है, जैसे नींबू का जूस है और बेसन है, उससे आप अपना खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं। और ऐसे ही मैडम हमेशा हम लोग को इंस्पायर करते रहे, ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम महिलाओं के लिए लेते रहे। मैं इनसे यही अपेक्षा करती हूँ और वापस एक बार धन्यवाद मैडम कि उन्होंने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा करके।